अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? आई होप के खैरियत से। वेलकम टू फरजाना मौसम ब्लॉग। तो मैं फिर हाजिर हो गई एक और बहुत ही मज़े का रेसिपी लेके, मिक्स वेजिटेबल टिक्का मसाला। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप और पूरा वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ें चाहिए मैंने ले लिया, बोनलेस चिकन। यहाँ पे मैंने पिंच ऑफ सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड टिक्का मसाला डाल के और ऑयल थोड़ा सा डालूंगी, डाल के इसको मैरिनेट कर लूँगी 10 मिनट्स के लिए। मैरिनेट करके साइड पर रख दूँगी। मैंने यहाँ पे फ्राई पैन ले लिया, वहाँ पर 2 टेबल स्पून जितना ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के हल्का सा गर्म होने के बाद डाल दूँगी क्यूमिन। क्यूमिन डाल के अच्छे से सॉटे करूँगी क्यूमिन को। और मैंने आलू काट के रखी थी, क्यूब्स की तरह बना के रखी थी, वो मैं डाल दूँगी। डाल के थोड़ा सा सॉटे करके डाल दूँगी जो मसाला मैरिनेटेड चिकन थी वो डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी सारे चीज़ों को, आलू को और चिकन को, जब तक ये चिकन जो है कलर चेंज ना हो जाए और क्रिस्पी ना बन जाए। तो थोड़ा सा क्रिस्पी बनने के बाद मैं डाल दूँगी यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल जो है मेरे, कॉलीफ्लावर है, कैरेट है, बीन्स है और पीस है। आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते, जो मेरे पास वेजिटेबल्स थी फ्रोजन वो डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा सॉटे करने के बाद डाल दूँगी सॉल्ट, 1 टीस्पून जितना सॉल्ट डाल के उसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फ्राई कर लूँगी। जब फ्राई हो जाएगा साइड में रख लूँगी। और दूसरी चूल्हे पे मैं फ्राई पैन ले लिया कुकिंग करने के लिए। फ्राई पैन में मैं प्याज डाल दूँगी, ऑयल डाल दूँगी, ऑयल डाल के प्याज डाल दूँगी, प्याज को हल्का सा फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया। डाल के सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मिक्स करके ढक के रख दूँगी ताकि अच्छे से कुक हो जाए। तो 5-1 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में कुक कर लूँगी ताकि जो प्याज है वो अच्छे से गल जाए। तो प्याज गलने के बाद यहाँ पे मैं डाल दूँगी जो मसाला है, ड्राई मसाला पाउडर मसाला, उसमें डाल दूँगी चिली पाउडर है, टर्मरिक पाउडर है, क्यूमिन पाउडर और कोरिएंडर पाउडर। डाल के सारे चीज़ों को मिक्स करूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करूँगी ताकि जो मसाला है वो ना जले। तो जब तक मैं मसाला को भून रही हूँ, आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी क्लिक करना ना भूले ताकि जो मेरी रेसिपी है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो 5-1 मिनट के लिए ढक के मैं कुक करूँगी। कुक करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी टोमेटो प्यूरी एंड चॉप टोमेटो। तो मेरे पास टीन का चॉप टोमेटो थी वो मैंने डाल दिया, आपके पास अगर फ्रेश टोमेटो हो वो भी काट के डाल सकते, कोई मसला नहीं। तो डाल के सारी चीज़ों को दोबारा मिक्स करूँगी, सॉटे करूँगी 1 मिनट तक। जब सोटे हो जाते तो मैं डाल दूँगी फ्राई की हुई जो मेरे पास सामान थी वो चिकन एंड मिक्स वेजिटेबल, वो डाल के मैं इन चीज़ों को अच्छे से भुनाई कर लूँगी मसाले के साथ। भुनाई करके ये मैं लो फ्लेम में ढक के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पे डालूँगी कैप्सिकम, जो ग्रीन कैप्सिकम मेरे पास थी वो डाल दिया, आपके पास जो भी कैप्सिकम है काम है वो डाल सकते हैं, शिमला मिर्च जो के, तो उसको डाल दूँगी ढक के फिर ढक के रख दूँगी 20 मिनट्स के लिए ताकि सारी चीज़ें जो है अच्छे से कुक हो जाए। तो आफ्टर 20 मिनट्स ये मेरे जो चिकन एंड मिक्स वेजिटेबल थी वो सारे कुक हो गई थी। तो इस पर मैं डाल दूँगी गरम मसाला एंड मेथी, सूखे मेथी मिक्स करके सूखे मेथी गरम मसाला को डाल देंगे। यहाँ पे बटर, घी नहीं डाल रही हूँ मैंने बटर डाली, आप चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं। बटर डाल के मैं क्रीम डाल दूँगी, वो ऑप्शन वाले, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो ना डाले कोई मसला नहीं। तो सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी अगेन। मिक्स करने के बाद तैयार हो गया मेरी रेसिपी जो है। तैयार होने के बाद मैं यहाँ पे कोरिएंडर लीफ से, फ्रेश कोरिएंडर से गार्निश करूँगी, आप चाहते तो ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, मैंने ग्रीन चिलीज नहीं डाले। तो आप चलते डिश आउट करते मेरे कारी को जो मैंने बनाया, बहुत मज़े का था, बहुत ही रिच था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैंने खाई थी, बहुत मज़े का बना था। तो आप राइस और रोटी नान पराठा के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, डिलीशियस रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।